नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जामुन आयुर्वेद के मतानुसार बड़ी जामुन स्वादिष्ट, विष्टम्भी, भारी और रुचिकर होती, यानी भूख बढ़ाने वाली होती है। छोटी जामुन ग्राही होती है, सूखी और कफ, पित्त विकार, रक्त विकार तथा दाह का समन करने वाली होती है। गुड़ जामुन के पके फल के हैं, इसलिए जामुन को पके रूप में ही प्रयोग करें। जामुन की गुठली भी अपने चिकित्सकीय गुणों में पीछे नहीं है। जामुन की गुठली मल रोधक, मधुमेह तथा बहुमूत्र को नष्ट करती है, यानी बार बार जो लोग पेशाब जाते हैं उस रोग को नष्ट करती है, तथा मल रोधक मधुमेह यानी जिसमें लेट्रिन आना बंद हो जाता है, ऐसी डायबिटीज को भी नष्ट करती है। स्वाद में यह कसाय रस यानी कसैले रस की होती है तथा जीभ को रूखा करती है। यद्यपि औषधि के रूप में जामुन के फल, गुठली, छाल और पत्ते सभी चीजें प्रयोग किए जाते हैं, पर यहाँ पर मैं केवल जामुन के फलों के गुण का उपयोग जो है उसका विवरण प्रस्तुत करूंगा, यानी जामुन के जो फलों के गुण हैं और उनका जो उपयोग है उस पर मैं विवरण आपको प्रस्तुत करूंगा। सामान्यतः वर्षा ऋतु में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है, ताकि इस मौसम में होने वाले सस्ते और सुलभ फल का सेवन कर आप स्वस्थ रहें। प्रातः नाश्ते में 100 ग्राम जामुन के फल नित्य सेवन करने से कब्ज दूर होता है यानी कॉन्स्टिपेशन खत्म होता है। रक्त विकारों में भी जामुन का फल उपयोगी है। खून के चर्म रोग, खून के विकार, खून की अशुद्धि, चर्म रोग में भी ये उपयोगी है। अनेक प्रकार के चर्म रोग नष्ट होते हैं। जामुन का फल भूख बढ़ाने वाला, भोजन पचाने वाला और लिवर को उत्तेजित करके बाइल जूस पैदा करने वाला है, जिससे कि भूख अच्छी लगती है, खाना अच्छा पचता है। मंदाग्नि के रोगियों को यानी जिनमें पाचन शक्ति की कमी है, जो शरीर में खाने को ढंग से पचा नहीं पाते, मंदाग्नि के रोगियों को तो यह फल अमृत के समान लाभकारी है। श्वास यानी सांस की समस्या, अस्थमा, कास यानी कफ, खांसी की समस्या के रोगियों को 20-20 मिलीलीटर जामुन के फल का रस देना चाहिए सुबह शाम, जो कि बहुत उपयोगी है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्वास कास से पीड़ित व्यक्ति को 20-20 ml जामुन का फल देने से, जामुन के फल का रस देने से उसे विशेष फायदा होता है जूस देने से। तो जिन्हें भोजन करते ही दस्त लगने लगते हो, उन्हें सेंधा नमक और जीरा मिलाकर, जिन्हें भोजन करते ही दस्त या डायरिया की शिकायत, लूज मोशंस की शिकायत हो जाती हो, उन्हें सेंधा नमक और जीरा मिलाकर रोज सुबह खाली पेट 50 ग्राम पके जामुन सेवन करना चाहिए। पके जामुन में सेंधा नमक और जीरा मिलाकर सुबह खाली पेट 50 ग्राम पके जामुन सेवन करना चाहिए। तेल, खटाई, मिर्च मसाले का सेवन बंद रखना चाहिए। जिन स्त्रियों को श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया या रक्त प्रदर यानी कि मेट्रोरेजिया या मीनोरेजिया की शिकायत हो, वे 100 ग्राम जामुन के फलों का गूदा निकाल लें, उसका पल्प निकाल लें और थोड़ी सी मिश्री उसमें मिला लें और थोड़ा सा जीरा मिला लें। जिन्हें की ल्यूकोरिया या मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया का शिकायत हो, तो उन्हें 100 ग्राम जामुन के फलों का गूदा निकालकर उनमें थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा सा जीरा मिलाकर एक गिलास शरबत बनाकर, पानी में इनको मिलाकर एक गिलास शरबत बनाकर रोज सुबह और शाम 4 बजे सेवन करना चाहिए। परहेज पूर्वक रहने और 21 दिन तक इसको पीने से पूरा लाभ मिलता है, निश्चय ही लाभ मिलता है, आराम मिलता है। जिनका लीवर कमजोर है, उन्हें जामुन का सेवन बहुत ही हितकर है। उन्हें 50 ग्राम जामुन के फल रोज खाने के बाद सेवन करना चाहिए। जिनका लीवर कमजोर है, उन्हें खाने के बाद रोज 50 ग्राम जामुन का सेवन करना चाहिए सुबह शाम। कुछ ही दिनों में जो लीवर की कमजोरी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि खोजों के अनुसार इसमें लोह तत्व यानी आयरन भी बहुत पाया जाता है। और जामुन के फलों के सेवन में कुछ सावधानियां भी हैं। अम्लपित्त और पेप्टिक अल्सर यानी कि जो पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर से या एसिडिटी से पीड़ित रोगियों को जामुन उतना अनुकूल नहीं है, यानी उतना अच्छा नहीं होता है, पर कभी कभार कम मात्रा में वो सेवन कर सकते हैं। पर ये प्रबल वात वर्धक है, यानी वात को बढ़ाता है। और जिन लोगों को दर्द बहुत ज्यादा रहता है और जिन लोगों के हाथ पैर फटते हैं और वात रोग है, आम बात है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस,
तो उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन कम मात्रा से शुरू करना चाहिए। अधिक खा लेने पर विष्ठम भी है, यानी कि पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है। उदर विकार के रोगियों को इसके फलों का रस निकालकर 10 से 20 ग्राम तक सेवन करना चाहिए। इसके फलों का रस जो है पेट के दर्द में, पेट के फूलने में, सूजन वगैरह में और दूसरे रोगों में बहुत फलदायी है, तो उन्हें इसके फल का रस निकालकर 10 से 20 ग्राम तक सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कितना अच्छा फल है जामुन, जिसे हम केवल स्वाद के लिए खाते हैं, वो हमारे कितने रोगों को नष्ट करता है, हमें कितना स्वस्थ रखता है। तो ऐसे ही वीडियो में लगातार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो लाखों रुपए की दवाइयों के खर्च से आपको बचाएंगे। सस्ते, सरल, 100% सफल नुस्खे मैं आपको बताता हूं अपने वीडियोस में। लाइव क्लिनिक सेशंस भी मैं आजकल रख रहा हूं, तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि मेरे लाइव क्लिनिक वीडियोस को जरूर अटेंड करें, ज्यादा ज्यादा संख्या में जुड़ें, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं और आपको इसका फायदा मिल सके। तथा मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या जिस भी साइट से, जिस भी सोशल साइट से या सोशल मीडियम से आप जुड़े हैं, तो उनमें जरूर इन्हें शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा घंटी का निशान जरूर दबा दें, ताकि आने वाले न्यू बहुत ही अच्छे वीडियोस के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, पुराने वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें कि और किन टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक नई चैनल बनाई है, मोटिवेशन फ्रॉम इनसाइड, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला डालकर सर्च करें। उसमें मैं बहुत ही अच्छे प्रेरणादायक विचार आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूं, ताकि आपका आत्मबल बढ़े, विल पावर बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े और कुछ अचीव करने की प्रेरणा आप में आए, मोटिवेशन आप में पैदा हो। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे वीडियोज मैं उसमें डाल रहा हूं, तो कृपया मेरे उस चैनल को भी उतना ही विश्वास प्रदान करें जितना इस चैनल को कर रहे हैं। सो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू सो मच।